दोस्तों 24 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आखिर क्यों? दोस्तों अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से आप अपना ई श्रम कार्ड बनवाएं और ई श्रम कार्ड का फायदा लें। दोस्तों ई श्रम कार्ड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, दोस्तों अगर आप ईपीएफ और ईएसआईसी के कर्मचारी हैं तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते, और आप अगर असंगठित क्षेत्र में कामगार कर मजदूर हैं तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और आपकी उम्र होना चाहिए 16 से 59 वर्ष। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप अपना ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी को पैसे दिए हुए। दोस्तों ये कार्ड आप घर पे भी बना सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो लेकिन दोस्तों मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगा, तो चलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल में जाना होगा, गूगल में जाने के बाद हमें यहां सर्च करना होगा ई श्रम पोर्टल। दोस्तों जैसे ही हम ई श्रम पोर्टल सर्च करेंगे तो हमें यहां पे पहली लिंक को ओपन करना होगा, दिखा रहा है ईश्रम.gov.in, तो हमें ई श्रम होम पर जाना होगा। श्रम पोर्टल पर जाने के बाद दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी, और देखिए दोस्तों राइट साइड में दिखा रहा है कि रजिस्टर ऑन ई श्रम, तो दोस्तों हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे ई श्रम पोर्टल पर। दोस्तों रजिस्टर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई दे रही है और हमें बता रहा है कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों हमारे पास आधार नंबर होना चाहिए, आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, और दोस्तों एज शुड बी बिटवीन 16 to 59 ईयर्स, दोस्तों 16 से 59 साल के अंदर हमारी एज होना चाहिए तभी हम इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो हम यहाँ पे अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे और दोस्तों यहाँ पे कैप्चा डालेंगे हम, और दोस्तों वो पूछ रहा है आर यू मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ईपीएफ और ईएसआईसी के कर्मचारी इस सेवा का लाभ नहीं ले सकेंगे, और देखिए हम यहां से सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हमने सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, और यहां से ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहां आधार नंबर पूछ रहा है, जो आपके आधार कार्ड का नंबर है 12 अंक का वो हमें यहाँ पे डालना होगा। दोस्तों वो पूछ रहा है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ई श्रम पोर्टल। दोस्तों हमें यस करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक दोबारा ओटीपी आएगा, दोस्तों हमें यहाँ पे ओटीपी डालना होगा और हमें वैलिड करना होगा। दोस्तों देखिए जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी फोटो आएगा, नाम लिख के आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, जेंडर लिखे आएगा, एड्रेस आएगा, और आपके पिताजी का नाम भी आएगा, यहाँ पे सब चीज आएगी दोस्तों, एड्रेस वगैरह। और यहाँ से हम आई एग्री ऑलरेडी है तो हमें कंटिन्यू करना होगा, कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी, जैसे मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे आपको जो भी आप है मैरिड है या अनमेरिड तो वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम डालें, उसके बाद सोशल कैटेगरी, दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, फ्रेंडली अवेल्ड, नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। दोस्तों नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, उसके बाद जेंडर डालना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे रिलेशनशिप बताना पड़ेगा कि आप क्या है, और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जैसे होम स्टेट। दोस्तों यहाँ से आप अपनी स्टेट डालेंगे जहाँ भी आप रहते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस आपको डालना होगा जो भी आपका एड्रेस है। तो देखिए हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट डालनी होगी हमें, उसके बाद पिन कोड डालना होगा दोस्तों आपको जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड। दोस्तों यहाँ पे आपको नो करना होगा और
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्लैब पूछ रहा है, उसके इनकम सर्टिफिकेट पूछ रहा है। अगर आप पर है तो लगाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखा रहे क्लिक टू व्यू एनसी कोडेड लिस्ट। दोस्तों यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हुई है जिसमें इसमें दिखाया जा रहा है कि आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप जिस भी काम करते हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। दोस्तों मैं डाल रहा हूँ, जैसे दोस्तों ये सब डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमसे यहाँ बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, बैंक की डिटेल पूछ रहा है, तो हमें बैंक की डिटेल डालनी होगी। दोस्तों हमें बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, दोस्तों अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर का नाम डालना होगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना होगा हमें, तो बैंक का नाम डालना होगा यहाँ हमें, तो ब्रांच नेम डालना होगा दोस्तों हमें। दोस्तों ये आपको रेड स्टार जो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी ही पड़ेगी। अगर यहाँ पे डिटेल हम नहीं डालेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये सारी चीजें फिल करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है, और यहाँ हमें कार्ड भी मिल गया है, यहाँ से हम कार्ड प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी पूरी प्रोसेस ई श्रम पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। दोस्तों वीडियो में टाइम लगा है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि आप कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है आई अंडरटेक दैट आई एम नाइदर एन मेंबर ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबमिट करना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद देखिए हमारा ई श्रम कार्ड आप बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, और यहाँ से हम इस कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था ई श्रम पोर्टल पर आसान तरीके से आप कैसे ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी नई नई अपडेट्स है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहेगी। धन्यवाद।